आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं एक बहुत ही यम्मी सी मसाला मिर्ची की रेसिपी। ये एक झटपट से बनने वाली रेसिपी है। अगर आप अपने रोज़ के खानों से बोर हो गए हैं तो आप इसे साथ में सर्व करें, आप अपने खाने को डेफिनेटली इंटरेस्टिंग बना देंगे और आप अपने स्पेशल खानों के साथ इसे एज ए साइड डिश भी सर्व कर सकते हैं, जैसे पराठे, छोले भटूरे, किसी तरह के पुलाव। ये मसाला मिर्ची उन डिशेस को और भी यम्मी बना देती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निकहत, वेलकम बैक टू कुक विद निकसाज। चलिए आज की अपनी यम्मी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मसाला मिर्ची बनाने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। इसे थोड़ा गर्म होने के बाद हम इस पे डाल देते हैं 2 छोटे चम्मच क्यूमिन, ज़ीरा, और हमने यहाँ पे 10 से 12 हरी मिर्चें ली हैं जिसे हमने इस तरह के पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसे भी इस पैन में डाल देते हैं। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे फ्राई कर लेते हैं। मसाला मिर्ची बनाने के लिए कुछ बेसिक से मसाले चाहिए। जब तक हमारी मिर्चियाँ फ्राई होती हैं मसाले देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए 1/2 छोटा चम्मच नमक, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक, अमचूर पाउडर, कुटी हुई सौंफ और चाट मसाला। तो ये सारे मसाले हम एक साथ अब मिर्ची में डाल देते हैं। अब हम अपने मसालों को 30 सेकेंड के लिए फ्राई होने देते हैं। इस टाइम पे हमें मेक श्योर करना है कि हमारी गैस की फ्लेम बिल्कुल लो पे हो, वरना हमारे मसाले जल जाएंगे। अब हम इसे कवर कर देते हैं और 30 सेकेंड तक धीमी आंच पे पकाते हैं। 30 सेकेंड के बाद जो मसालों का रॉ स्मेल और रॉ टेस्ट होता है वो भी चला गया है और हमारी हरी मिर्चियाँ भी अच्छी तरह से पक गई हैं। यहाँ पे हमने 1/2 लेमन का जूस लिया है जो हमारे मसाला मिर्ची को एक यमी सा टैंगी फ्लेवर देगा। लेमन डालने के बाद हम एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुछ लोगों को मिर्ची थोड़ी सी कच्ची पसंद आती है और कुछ लोगों को बिल्कुल फ्राई की हुई। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे आप कम या ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं। अब हमारी मसाला मिर्ची रेडी है सर्विंग के लिए। ये एक बहुत ही क्विक और झटपट से बनने वाली रेसिपी है और खाने में बहुत डिलीशियस होती है। ये एक साइड डिश का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर कोई 2 रोटियां खाता है तो इस मसाला मिर्ची के साथ वो 4 रोटियां खा लेगा। आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप भी ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स का फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें। अगर आप इसी तरह की कुछ और यमी सी और इजी सी रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।